नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल पर। इसका नाम है सुरभि सुर संगम। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर आप लोगों के लिए सुरभि सुर संगम चैनल के माध्यम से एक और बैंजो का लेसन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत पलटा ये होने वाला है, जैसा कि अभी आप सुन ही रहे थे। राग भोपाली में ये पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं रियाज़ कर रहा था तो मेरे रियाज़ करते करते ये पैटर्न हाथ में आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ मैं इसको शेयर करता हूँ। तो जो विलंबित हमारा कहरवा ताल होता है, जैसे कि अभी चल रहा था, धा तिट धिन धिन ता तिट धिन धिन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये जो पैटर्न होता है इसके साथ हमको किस तरीके से बीच में हम लोग म्यूज़िक दे सकते हैं। कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि कैसे हम लोग म्यूज़िक दें, तो एक पलटे के फॉर्म में हम लोग म्यूज़िक दे सकते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना था। ठीक है, गज़ल में गा रहा था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार। तो ये गज़ल है और इसी पे भगवान भोलेनाथ का भी भजन है, कैलाश के निवासी नमो बारे बार हो, कैलाश के निवास। तो आप भजन संध्या में या कहीं पर भी जा रहे हैं तो ये जो पैटर्न मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ ये बहुत काम आएगा और इससे बहुत ज़बरदस्त तैयारी आपके हाथों की होने वाली है। पैटर्न क्या है मैं बोल करके बताऊंगा। आज आपको मेरा बैंजो का जो कीज़ है वो दिखाई नहीं देगा, बट मैं आपको बोलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैटर्न जो मैंने अभी बजाया था वो क्या था, ये पैटर्न है, इसको आरोह में लेकर के जाना है और अवरोह में भी सेम एज इट इज़, जैसे आरोह में गए वैसे ही, कोई अलग चेंज नहीं करना, जैसे आरोह में गए वैसे ही अवरोह में भी आप इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ क्या हम लोग बजा रहे हैं। तो राग भोपाली का पिच आप सभी को ऑलरेडी पता है और अभी मैंने बेंजो के तार को ए शार्प पर ट्यून करके रखा है, ए शार्प थ्री पर। तो हमारा ये पाँचवें नंबर का जो बटन है वो हमारा डी शार्प बन रहा है, मतलब कि काली दो बन रहा है। ठीक है, सा सा रे गा पा दा सा सा धा पा गा पा दा पा गा रे दा पा धा सा। तो सा रे गा पा धा सा राग भोपाली। तो राग भोपाली में ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक डिज़ाइन समझ जाइए, बाकी सारा जो डिज़ाइन है उसको रे से ग से प से ध से आपको अप्लाई करना है। कैसा है डिजाइन देखिए, ओके। अब इसको मैं स्लो करता हूं, देखिए चीज़ वही रहती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो बेसिक चीज़ें ही आखिरी में जाकर के एडवांस रूप लेती है। तो ये जो पलटा है वो तो सारे 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 आपको बजाना है, लेकिन रे पर आपको खटका देना है ग के साथ, सिंपल। हर बार देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बटन आपको दिखाई दे, अब इतने मैच्योर आप लोग हो गए हैं। ठीक है, तो सारे सारे ये खटके के साथ मैं बजा रहा हूं, सारे सारे। उसके बाद रेगा रेगा सारे सारे रेगा रेगा। अब जिस लय में मैं बजाऊंगा उसी लय में आपको उसको बजाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे सारे रेगा रेगा
तो सारे सारे रेगा रेगा, ठीक है। उसके बाद सारे गा पा गा पा गा पा, सारे गा पा गा पा गा पा रेगा रेगा सा। तो सारे गा पा गा पा गा पा रेगा रेगा सा, ये है तीसरा। तो पहले में हमने क्या करा, दो बार सारे सारे खटके के साथ, दूसरे में रेगा रेगा, तो सारे सारे रेगा रेगा, फिर सारे गा पा गा पा गा पा रेगा रेगा सा, सारे गा पा गा पा गा पा रेगा रेगा सा। सारे सारे रेगा रेगा सारे गा पा गा पा गा पा रेगा रेगा सा, सारे सारे रेगा रेगा सारे गा पा गा पा गा पा रेगा रेगा सा। पहले सा से इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। एक ही डिजाइन पर पहले फोकस करिए, उसी को बार बार बजाइए, उसके बाद फिर आप रे से बजाएंगे तो रेगा रेगा। अब यहाँ पर खटका हम लोग प के साथ देंगे, म के साथ भी दे सकते हैं, इतना पता नहीं लगता है, म शुद्ध के साथ भी हम लोग दे सकते हैं। सेम डिजाइन, तो रेगा रेगा गपा गपा, रेगा रेगा गपा गपा, रेगा पदा पदा पदा, रेगा पदा 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 गपा गपा रे सा, रेगा पदा 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 गपा गपा सा, गपा गपा रे, सॉरी, ठीक है। रेगा पदा 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 गपा गपा रे सा के लिए, सारे सारे रेगा रेगा सारे गपा 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 रेगा रेगा सा, रेगा रेगा गपा गपा रेगा मजा 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 गपा गपा रे। ग के लिए गपा गपा पद पद गपा दसा दसा पद पद ग, ठीक है। तो इसको पूरा सा रे ग प ध सा पूरे से आपको अप्लाई करना है। तो प तक ग तक हमने देखा, प से क्या होगा, तो प ध प ध ध पे सा के साथ खटका लीजिए, ठीक है। फिर दसा दसा प ध सारे 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 दसा दसा प, सेम एज इट इज आपको ध के साथ करना है। बस पूरा भोपाली में ही आपको सेम पैटर्न को आपको बजाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ताल के साथ देखिए कैसे बजेगा। थोड़ा फास्ट बजेगा लेकिन इसके साथ, ठीक है। तागे ना तेना कह देना, बट आपको तैयारी बिल्कुल आराम से करनी है। अवरोह भी सेम एज इट इज, आपको फिर वापस आना है, ठीक है। ठीक है,
अब ये गा करके आपके लिए छोड़ दिया, तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं अपने म्यूजिक की। तरीके से ये पैटर्न है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही इसको रियाज़ करना है। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी घर बैठे एप्लीकेशन से बैंजो सीखना चाहते हैं, मेरा एक एप्लीकेशन है सुरभि स्वर संगम के नाम से बना हुआ है, प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सुरभि स्वर संगम मेरा एप्लीकेशन है जो कि स्पेशली बैंजो प्लेयर्स के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये काम संभव हो पाया है मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से। इसमें पूरा जो कंटेंट है क्लासिकल म्यूज़िक को आधार बना करके बैंजो को सिखाने के पूरे लेसन्स जो है वो मैंने बना रखे हैं, मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, इस तरीके से अलग अलग मंथ के पूरे वहाँ पर लेसन्स बने हुए हैं। हर एक महीने में आपको 12 वीडियो लेसन स्टार्टिंग में आपको मिलने वाले हैं। कहीं पर भी इतने लेसन्स आपको इतने अफोर्डेबल गुरु दक्षिणा में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, तो बिल्कुल भी देरी मत करिए और जल्दी करिए, सुरभि स्वर संगम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और सीखना आरंभ करिए। ऑफलाइन जैसा फील आपको ऑनलाइन क्लास में मिलेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के फीडबैक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं सुरभि स्वर संगम को। इसके अलावा कोई भी डाउट या कोई भी इंक्वायरी करनी है, बैंजो ख़रीदना भी है यदि आपको है, तो आप यहाँ पर नीचे नंबर चल रहा है 8435737494, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, बैंजो ख़रीदने से लेकर के इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, बैंजो का बैग भी आपको हम अवेलेबल करवाते हैं। तो कोई भी इंक्वायरी यदि आपको करना है तो नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।